फ्राइडे फीवर से परेशान बॉलीवुड फैंस को फिर एक बार इस हफ्ते पीके देखकर अपना दिल शायद संभालना पड़े, क्योंकि इस बार थिएटर पर रिलीज हुई है फिल्म मुंबई कैन डांस साला, जिसे देखने के लिए आप अपने 100 रुपए तो क्या 10 रुपए भी शायद सिनेमा घर के टिकट खिड़की पर नहीं देने वाले। इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें है आशिमा शर्मा, राखी सावंत, प्रशांत नारायणन, आदित्य पंचोली और शक्ति कपूर। ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्शियल बार डांसर तरन्नुम की कहानी पर बेस्ड है, जो एक बैटिंग रैकेट में जुड़ जाती है जो कि मासूम है, बेकसूर है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, जैसा कि इस फिल्म में आलिया के साथ होता है। आलिया का किरदार निभा रही है आशिमा शर्मा। इस फिल्म में राखी सावंत का एक आइटम नंबर है, चाहे शक्ति कपूर हो या फिर आदित्य पंचोली, सिवाय ओवर एक्टिंग के कुछ भी करते नजर नहीं आते। तो इस फिल्म को हॉल में देखने जाने की भी शायद कोई जरूरत नहीं होगी। और हाँ, इस फिल्म में हैप्पी न्यू ईयर की तरह एक कॉमन बात है, जैसे कि इस फिल्म का टाइटल है मुंबई कैन डांस साला, तो ये किसी डांस कंपटीशन पर दूर दूर तक बेस नहीं है और ना ही कोई डांस कंपटीशन इसमें दिखाई देता है। वैसे ही फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी ना तो हैप्पी न्यू ईयर वाली फीलिंग आती है और ना ही हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता हुआ कुछ दिखाई देता है। सो समवेयर इट्स इन द लीक।